ओए रोशन, रोशन क्या हो गया? कहाँ, कौन सी रेस लगी हुई है? घोड़ों की तरह भागते आ रहे हो? हनी, हनी तो नहीं आई? हनी वो क्यों आएगी? हाँ लगता है तुम्हारे ख्वाबों में आने लग गई है अब। हाँ तुम्हारी दोस्त थी ना, मिस कर रहे होगे उसे। दिमाग ठीक है तेरा? वो मेरी बस दोस्त थी, पर तेरी तो इससे ज़्यादा थी। सांस ले लो। ये बताओ क्या हुआ, क्या है, खैरियत? मिलकर आ रहा हूँ हनी से। अच्छा गुड न्यूज़, कार्ड बांटूँ मैं? बांट ले, क्योंकि तेरी दिल की मुरादें पूरी होने वाली हैं। वो कैसे? यार मैंने उसके सामने शाहवेज का नाम लिया ना, तो बहुत सख्त नाराज़ हो गई, कहने लगी उसका नाम भी ना लूँ। अबे चल मजाक कर रहा है। नहीं नहीं सच कह रहा हूँ, वो तुम्हारे ही पूछ रही थी, आने वाली होगी। लगता है शाहवेज की हकीकत खुल गई उसके सामने, तभी तो वो। चलो चलता हूँ। हाय अशान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुमसे मतलब? अभी तक नाराज हो? एक तो पता नहीं तुम्हारे अंदर का ये बच्चा कब बड़ा होगा। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं मजाक तो नहीं उड़ा रही, हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। शाहवेज नजर नहीं आ रहा आसपास, ब्रेकअप हो गया क्या? रोशान हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दोस्त था मेरा। किसको बेवकूफ बना रही हो, खुद को या मुझे? कहना क्या चाह रहे? यही कि शाहवेज अब तुम्हारा दोस्त नहीं। जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, जाने वालों का शोक मनाने वालों को बेवकूफ कहते हैं, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। सही कह रही हो रोशान, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखा दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी कौन सा मजाक है? तुम्हें मेरी हर बात मजाक क्यों लगती? क्योंकि मुझे हैरत हो रही है तुम्हारे इस रवैये से। देखो इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात से ही सीखता है, समझो कि शाहवेज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। कैंटीन चले? अली याद है तुमसे मैंने एक दिन कहा था कि हनी जो मुझे शाहवेज के लिए छोड़ रही है एक दिन ज़रूर वापस आएगी? याद है। वो मेरे पीछे नहीं आई, तुम जानते हो वो मेरी गाड़ी और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से इम्प्रेस होकर आई है। बड़ी अजीब लड़की है, समझती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं।